हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे वाटर एनर्जर की, जिसके अंदर मैंने आपको एक दिखाया वीडियो जिसमें हम जानते हैं कि पानी का जो पीएच है वो हमें कितना पीना चाहिए, और अल्कलाइन पानी पीना चाहिए, एसिडिक पानी पीना चाहिए, और क्या डिफरेंस रहता है उस पानी में जो हम नॉर्मली पी रहे हैं और जो हम आयनाइज करके इस मशीन से निकालते हैं। अब जो नेक्स्ट बेनिफिट है, जैसे मैंने बताया था कि पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे जो नॉर्मल पानी के होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, और जबकि हम जब उसको आयनाइज कर लेते हैं तो वही क्लस्टर बहुत छोटे पार्ट्स में टूट जाते हैं। जैसे कि किसी झरने से जो पानी गिरता है तो उसके जो स्ट्रक्चर वाटर जो होता है, यानी कि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत छोटे पार्ट्स में टूट जाते हैं, जिसको हम स्ट्रक्चर वाटर बोलते हैं। तो वही पानी इस मशीन के ज़रिए हम पी सकते हैं। उसका बेनिफिट यही होता है कि आप जितना भी न्यूट्रिशन खा रहे हो वो सब कुछ एब्जॉर्प्शन आपके सेल तक पहुँचता है, यानी कि आपके जो सेल हैं आपके न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर पाते हैं, और अगर आपके सेल बेहतर तरीके से काम करते हैं तो आप लाइफ में जल्दी से बीमार नहीं पड़ते हो, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी है, सभी ऑर्गन सेल से ही काम कर रहे हैं। अगर वो अच्छे तरीके से काम करते रहेंगे, अगर उनको अच्छी तरीके से पानी और एनर्जी मिलती रहेगी, तो आप एक अच्छा हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो पानी से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो देख लेते कि किस तरीके से हम इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं कि जो मशीन वाटर एनर्जर, उससे जो पानी जब निकल के आता है तो वो छोटे पार्ट्स में टूट जाता है। तो छोटा सा एग्जांपल है, मैंने जीरा लिया है, क्योंकि जीरे का आप एग्जांपल मान सकते हैं न्यूट्रिशन, क्योंकि एब्जॉर्ब कैसे करते हैं छोटे सेल्स जो होते हैं वो कैसे पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, तो आप देखिए ज़रा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो जीरा है मैं दोनों ग्लास में डाल रही हूँ आपके सामने। मान लीजिए हमारे ये छोटे सेल हैं, क्योंकि मैं पानी का एब्जॉर्ब पावर जो होती है, सोखने की जो क्षमता है, यानी कि जो माइक्रो क्लस्टर वाला पानी है और जो बड़े क्लस्टर वाला पानी है, उसका हम डिफरेंस देख लेते हैं। तो इस बॉटल में अभी नॉर्मल टैप वाटर है, तो मैं इस ग्लास में इसको डाल रही हूँ, और इस बॉटल के अंदर हमारा 8.5 अल्कलाइन वाटर है, 8.5 पीएच का, जो मैंने मशीन से निकाला है। आप देखते हैं आपके सामने मैंने पानी डाला है, तो जिस पानी के जो क्लस्टर हैं, ठीक है, अणु हैं, जो सबसे छोटे हैं, बिल्कुल टूट चुके हैं, तो जीरे ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया है, और जो आपका नॉर्मल पानी है, जैसे कि ये आप देखो, इसने ये जो पानी है एब्जॉर्ब नहीं किया है, मतलब जीरे ने इस पानी को एब्जॉर्ब नहीं किया है, और ये जस्ट अभी मैंने सिर्फ डाला ही है। तो आप कलर देख सकते हैं, दोनों का कलर देख सकते हैं, क्योंकि जब जीरा है पानी में घुलता है तो अपने कलर छोड़ देता है। मैंने वाइट पेपर रखा इसलिए ताकि आपको कलर का पता चल जाए, ये देखिए। और इसको मैं अगर थोड़ी देर और रखूँगी तो ये सारा का सारा ही जो अर्घ है जीरे का वो उस पानी में आ जाता है। तो कारण यही है कि इसके जो क्लस्टर इतने छोटे हैं, जो जीरे के अंदर जाके उसके न्यूट्रिशन को बाहर पानी में लेके आए हैं। तो इसी तरीके से जो हम खाना पीना खाते हैं, जितना भी फूड सप्लीमेंट हम मार्केट से ले रहे हैं अपनी बॉडी को हेल्दी करने के लिए, प्रोटीन्स वगैरह के हम फूड लेते हैं, प्रोटीन अक्सर पानी में डाल के पीते हैं, तो देखिए अगर वो पानी, वो जो प्रोटीन है वो आपकी बॉडी में जाएगा ही नहीं, एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो वो प्रोटीन पीने का क्या फ़ायदा होगा। अब देखिए, जबकि इस वाटर के साथ आप न्यूट्रिशंस को लेके जाते हो, जो खाना खाते हो आप, तो ये प्रॉपरली आपके सेल्स तक पहुँचता है। तो इट्स प्रूफ कि जब मशीन से पानी हम आयनाइज करके निकालते हैं तो वो उसको बहुत छोटे क्लस्टर में तोड़ देता है, जिसे हम स्ट्रक्चर वाटर कहते हैं। और अगर आपको उसकी ज़्यादा भी जानकारी चाहिए तो आप खुद से गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि क्या होता है स्ट्रक्चर वाटर, उसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं, अल्कलाइन वाटर के क्या बेनिफिट होते हैं। पर अल्कलाइन पानी आपको ईजिली मिल जाता मार्केट में, और काफ़ी सस्ती मशीनों के साथ, और पर वो केमिकलाइज हो सकते हैं, क्योंकि अक्सर आप देखेंगे काफ़ी सारे जग और काफ़ी सारे आर ओ के अंदर अल्कलाइन पानी आ रहा है, पर वो केमिकलाइज होते हैं। इस मशीन में किसी भी केमिकल का यूज़ नहीं किया गया, सिर्फ पानी के अंदर करंट डालते हैं, यानी कि इसको आयनाइज करते हैं, और उस पानी को दो टुकड़ों में विभाजित कर देते हैं, जो कि एक अल्कलाइन होता है और एसिडिक होता है, जिसकी वजह से वो पानी क्या होता है छोटे क्लस्टर में टूट जाता है, और बेनिफिट और ज़्यादा बेनिफिट के साथ आप पानी की वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो ये वीडियो था पानी की छोटे क्लस्टर को दिखाने के लिए। आपको अच्छा लगता है तो शेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप किस तरीके से इस पानी को अपने घर में यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको वाटर एनर्जर को परचेज़ करना होगा, क्योंकि मैंने काफ़ी महीनों से अपने घर में उसको लगा रखा है, और काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज से जो कि इस पानी की वजह से ही सॉल्व हुए हैं, और बिना किसी मेडिसिन के सॉल्व हुए हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।